नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो पोस्ट का नाम है वो है जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डेप्यूटेशन के बेसिस पे होगी। गाइज, आप देख सकते हो जो हमारा पोस्ट है जनरल मैनेजर, इनके लिए कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और वो है कि आपके पास सैग ग्रेड में मिनिमम 20 साल के एक्सपीरियंस होनी चाहिए। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट फाइनेंस का, ऑडिट का, अकाउंट्स का, टैक्सेशन, लीगल मैटर्स, फंड मैनेजमेंट, फाइनेंस कॉन्करेंस एंड वेंटिंग एंड बजट मैटर्स का। साथ ही आपके पास सेटिंग अप होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिट सिस्टम और इनके प्रोसीजर्स के। आप देख सकते हो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये ऑफलाइन है, और यहाँ पे आपके पास एड्रेस मेंशन की गई है जो चेन्नई की है। आप जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो आपको ऑफलाइन वे से करना है, और उसके लिए जो एड्रेस है वो है जॉइंट जनरल मैनेजर HR, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, एडमिन बिल्डिंग, CMRL डिपोर्ट, पूनम वाले हाई रोड, चेन्नई 600107। गाइस, इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। साथ ही आप जब यहाँ नीचे आओगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हो, ये मैं बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे एप्लीकेशन का, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। अब मैं इनको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो है जनरल मैनेजर। साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो सिर्फ एक है। जो लोकेशन है वो चेन्नई की होगी, और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 to 55 years की है, और ये डेप्यूटेशन के बेसिस पे होगी। तो आपके जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस है वो सेम है जो मैंने आपको मेंशन किया था, और साथ ही यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप इन्हें ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि इनमें अगर कुछ भी चीज़ आप मिस करते हो तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी, और आपका ये जो एप्लीकेशन है वो शायद रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप ऐसी किसी कंडीशंस में ना पड़े। साथ ही आपको इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। यहाँ पे फॉर्मेट मेंशन की गई है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इस पूरे एप्लीकेशन से तो आप डायरेक्टली इनके अपने इस ईमेल पे आप मेल भी कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा फॉर्म है। आपको यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है, आपको यहाँ पे अपने सारे इंपॉर्टेंट बायोडेटाज मेंशन करना है जो भी यहाँ पे अलॉटेड है, और आपको यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही जो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क एक्सपीरियंस, ये सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। गाइज, मैंने आपको इस पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है। स्टिल अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर यहाँ से जब आप फोरम बटन को क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पे आते हो, और आप यहाँ पे डायरेक्टली राइट और रिप्लाई के सेक्शन को देखते हो। यहाँ राइट और रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपनी क्वेरीज या अपने डाउट्स कुछ भी लिखते हो तो वो हम तक आता है, और हम आपको उनको सॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। सो गाइज, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, और आपकी हेल्प के लिए मैं एक और टिप दे दूँ कि ये जो हमारे कम्युनिटी फोरम की जो ये लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो दैट अगर आपको वीडियो देखते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप एक टैप करके डायरेक्टली अपने सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट कर सकते हो। तो गाइज, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।